हाय फ्रेंड्स, किसी भी डीएसएलआर कैमरे में मैनुअल मोड पर फोटो कैसे क्लिक करते हैं सीखेंगे। कैमरा ऑन करना है और रिंग को घुमा करके मैनुअल मोड पर सिलेक्ट कर देंगे। डिस्प्ले पर मैनुअल मोड दिख रहा है, यहाँ पर हमें मीटर देखने के लिए मिल रहा है। ये मीटर हमें काफी हेल्प करता है, हल्का सा फोकस लेंगे तभी मीटर काम करना स्टार्ट करेगा। देखेंगे, ये देखिए मीटर -2 की तरफ शो कर रहा है। मीटर कह रहा है कि हमारी शटर स्पीड ज्यादा है, हमारी वैल्यू माइनस की ओर जा रही है, हमें इसे न्यूट्रल यानी कि जीरो पर लाना है। तो हम अपनी शटर स्पीड को कम करेंगे। आप देखिएगा कि जो डॉट आ रहा है 2 के नीचे इधर को आएगा। ये देखिए, ये धीरे धीरे यहाँ से हम शटर स्पीड को चेंज करते हैं। इस व्हील से इसको घुमा करके हम कम करेंगे। ये देखिए 1 पे आ गया, यानी कि 1/60 भी हमारी अच्छी शटर स्पीड नहीं होगी, फोटो हमारी डार्क आएगी। इसको जीरो पर लाना है इस तरीके से, तो यानी कि 1/30 जो है ये सबसे बेस्ट शटर स्पीड होगी। ये हमें सही मीटर मिल रहा है, आप देख सकते हैं। अब हम फोटो क्लिक करेंगे, आप डिस्प्ले पर फोटो देख सकते हैं, बिल्कुल ओके फोटो आई है। थैंक यू।